हेलो दोस्तों, ये है वो वादियां, देखो। पहाड़ जो है बर्फ से ढके हुए हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ पूरा। कि स्नोफॉल 100% होगी, 110% आज। और मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा। आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो हमारे नजदीक आ रहे हैं। मैं ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ एक बार। बिल्कुल कवर्ड है ये। और आज स्नोफॉल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर स्नोफॉल हुआ तो एक्साइटमेंट डबल। डबल की भी ट्रिपल। और हम करेंगे अब ट्रैकिंग। नीचे हैं हम और हम जा रहे हैं अब टॉप पे, पिलर नंबर 8 पे जहां से हम वापस आए थे। मेरे पीछे जो है जीत। 3192 वो ट्रैक करके आ रहे हैं। और रात को इन्होंने देखो अपना नाम लिखा था जीत। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नो पे लिखा हुआ है अभी भी। ओ भाई अल्टीमेट मजे आ रहे हैं, अल्टीमेट मजा चौगुना। ओ क्या कहने हैं, कुदरत का कोई तोड़ नहीं, नायाब करिश्मा है ये। ये लगाओ, तभी हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं ये नज़ारा देखने के लिए। और होपफुली थोड़ी थोड़ी सांस फूलने लगी है क्योंकि हाइट है ना, ऑक्सीजन की कमी है, प्लस पैर स्लिप कर रहे हैं, पैरों की ग्रिप नहीं बन पा रही है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार जीत को, जस्ट ए मिनट। अपना म्यूजिक सिस्टम भाई साथ लेके चलते हैं भाई, फुल एंजॉय रात को 12 बजे तक। ये पूरा रास्ता हमें ऐसे ही ट्रैक करके जाना है। फुल मजे लेते हुए, और ये मजे दोगने से चौगने हो जाएंगे अगर स्नोफॉल हो गया तो। अभी जीत और भीम ट्रैकिंग करते हुए आगे, और सामने देखे जैसे भी रास्ता साफ कर रही है, पीछे से गाड़ी आ रही है। और आप देख सकते हैं ये पीछे जिप्सी आ रही है जिनके टायर पे चेन है। और आगे रास्ता नहीं है, आगे रास्ता जैसे भी साफ कर रही है। चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, देखो आप देख सकते हैं पैर स्लिप कर रहे हैं। ये नीचे की वादियां हैं, ये नीचे का नज़ारा है। ये है ओली का व्यू।
हम भी यही सोच रहे थे, पहले आप ही आते हो। ये देखिए आ भाई, हम इधर से आएंगे। रास्ता क्रॉस करना बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। हम भी उधर से चले जाएंगे। ये देखो ये पैर स्लिप कर रहे हैं। उधर चल भाई, ये देखो रास्ता क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि जेसीबी ने यहाँ रास्ता बंद कर दिया है। भाई ये करेगा भाई, रास्ता साफ करेगा आगे। ये जैसे भी की वजह से रास्ता बंद हो गया है। और ये देखिए लोग रास्ता किस तरह से क्लोज कर रहे हैं। भाई का जूता निकल गया है। और ये जैसे भी बर्फ को धकेलती हुई देखिए रास्ता कैसा हो गया। और ये जैसे भी पीछे आती हुई और देखिए जैसे भी बैक आ रही है रास्ता क्लियर करने के लिए। स्नो साइड में देखो, बड़ा मुश्किल है ट्रैक करते हुए आना। ये देखिए जीत भाई साहब, ब्लॉन्डे बैक में इंजरी होते हुए भी दमखम यहाँ आने का। और सांस भाई बुरी तरह फूल चुकी है। ये था वो दे जहाँ तो मोड़ कर रहे थे यहाँ से। हाँ देख ये है, देख ये होती है ब्लैक आइसी, थोड़ी सी काम होते होते बड़ी तेजी से वो हो गया। रास्ता स्लिपरी है बहुत, और जीत जो कि बैक में इंजरी है बेल्ट लगाई हुई देखो कैमरे में, फिर भी लौंडे की हिम्मत देखो। लड़के की हिम्मत है। हाँ चार फ्रैक्चर थे फिर भी आया बैक बोन में। तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ये रास्ता अब हम जो ट्रैक करने वाले हैं ये रास्ता वो है। देखिए ये यहाँ से ऐसे जाते हुए यूँ जाते हुए ऐसे 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 वो टॉप पे जाना है, हमें टॉप पे जाना है। तो वो रास्ता ट्रैक करेंगे हम अभी 10 मिनट के बाद। पहले कुछ खा लेते हैं, खाते हैं के बाद। दोस्तों ये है अपनी ट्रैकिंग जो अभी हम लोग कर रहे हैं। ये जीत और यहाँ पर गिर सकते हैं बहुत बुरी तरह से।
थोड़ा ध्यान से आए। बी केयरफुल। क्योंकि चढ़ाई है, चढ़ाई करते वक्त पैर स्लिप हो सकता है और चोट लग सकती है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं नीचे सॉलिड पत्थर है, इन पे फिसल के लग सकती है चोट। एक बार स्किड हुआ वो नीचे जाएगा। आजा ले तेरी आजा बेटा। ये रास्ता बहुत खतरनाक रास्ता है, देखो। भाई दोस्तों सुनो, देख सकते हैं आप जहाँ तक नजर जा रही है आपकी, सुनो सुनो, ये रास्ता है जो कि अब स्नो से कवर है पूरा। वो दूर वहाँ पे स्किंग कराते हैं, वहाँ पे आपको लेके चल रहे हैं अभी। बर्फ में चलना ही महाभारत है। स्लिप करने का डर लगता है। पूरा स्नो से कवर है पूरा। ये स्कीइंग एरिया में हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं ये स्कीइंग एरिया जहाँ पे लोग स्कीइंग कर रहे हैं, वो ऊपर तक जाते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको एक बारी। तो अभी हम करने वाले हैं स्कीइंग, आपको दिखाते हैं ऐसे प्राइस क्या है और क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं स्कीइंग करते वक्त, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए।